तो देखिए, तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं और जो आज का दिन है वो निश्चित तौर पर इतिहास में याद रखा जाएगा। तमाम बड़े जनप्रतिनिधि पहुंच रहे हैं अंतिम दर्शन के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए। हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग जगह पर मौजूद हैं, वो आपको एक एक तस्वीर दिखा रहे हैं, क्योंकि ऐसा मुमकिन नहीं होगा कि सब लोग वहाँ पर पहुँचे होंगे। और देखिए, हम दिखा रहे हैं आपको निर्मला सीतारमण, जी हाँ, केंद्रीय मंत्री पहुँची हैं, वित्त मंत्री, और अंतिम दर्शन करने के लिए। और लगातार हमारे तमाम सहयोगी भी मौजूद हैं। अंजीत, ओवर टू यू। देखिए, इस वक्त CDS बिपिन रावत को श्रद्धांजलि समारोह चल रहा है। एक तरीके से हर वो व्यक्ति, हर वो देशवासी जो इस वक्त कहीं ना कहीं कोशिश कर रहा है कि वो कैसे भी CDS बिपिन रावत के घर पहुंचे, उन्हें श्रद्धांजलि दे। अभी 83 वर्ष के सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव वहां पहुंचे हैं, अस्वस्थ चल रहे हैं, 83 वर्ष उम्र है, वो स्वयं पैदल चल भी नहीं सकते हैं, उसके बावजूद कहीं ना कहीं अपने देश के जवान लाडले वीर सपूत CDS रावत और उनकी पत्नी को वो श्रद्धांजलि देने पहुंचे हैं। इस वक्त की अगर मैं जिक्र करूं तो मैं धौला कुआं मौजूद हूं, यही वो रूट है जहां से ये काफिला गुजरना है, लेकिन भीड़ इतनी ज़्यादा हो गई है CDS रावत के घर के बाहर कि वहां पर जो है अभी भी सैन्य अधिकारियों का जो अंतिम दर्शन है, श्रद्धांजलि देनी है, वो शुरू नहीं हो पाया है। कहीं ना कहीं मुझे वो पंक्तियाँ भी याद आ रही हैं कि मैं जला हुआ राख नहीं अमर दीप हूँ, जो मिट गया वतन पर मैं वो शहीद हूँ। कहीं ना कहीं उसी शहादत के लिए आज देशवासी, बड़े बड़े सभी नेता, केंद्रीय मंत्री, विपक्षी पार्टियों के नेता, आम लोग अंतिम श्रद्धांजलि देने आ रहे हैं। लंबी जो है लाइन लगी हुई है, लोगों का तांता लगा हुआ है, लोग चाहते हैं कि वो अंतिम श्रद्धांजलि दे सकें। जिस तरीके से बिपिन रावत ने पूरा अपना एक 40 साल से बड़ा करियर आर्मी को दिया, कहीं ना कहीं ऐसे आधुनिक चीज़ों को वो लेकर आए जिसकी हमें बेहद ज़रूरत थी। समय के साथ कहीं ना कहीं वो अपडेट और टेक्नोलॉजी की बात करते थे, 2.5 मुहाने पर जवाब देने की बात करते थे, न सिर्फ चाइना पाकिस्तान बल्कि देश के अंदर भी जो स्लीपर सेल्स हैं उनको भी कहीं ना कहीं उन्होंने टारगेट किया। पूजा हमारे साथ जुड़ी हुई है, पूजा क्या अपडेट है वहां पर, दर्शकों को बताइए। देखिए, अभी क्योंकि सभी जो VVIPs हैं, सभी जो नेतागण हैं, वो अंतिम दर्शन के लिए अभी भी पहुंच रहे हैं। मैं शिवम इस वक्त मौजूद हूँ 11 मूर्ति के पास, और मैं उस रोड पर मौजूद हूँ जहाँ पर जो रूट तय किया गया है, जो कि CDS बिपिन रावत के जो आवाज़ से जब उनकी अंतिम यात्रा निकलेगी, तो वो यहाँ से आप देख रहे हैं ये जो सीधा रास्ता है ये जाता है 3 मूर्ति की तरफ और सीधा ये कामराज मार्ग की तरफ जाता है। तो अब से कुछ देर पहले मैं लगातार देख रही हूँ VIP मूवमेंट्स यहाँ पर मुझे होते हुए दिख रहे हैं। जो जो भी VIP यहाँ पहुँच रहे हैं इसी जो है रास्ते का वो इस्तेमाल करते हुए कामराज मार्ग की तरफ पहुँच रहे हैं। और जो रूट सामने आया है शिवम, वो ये है कि जब उनकी अंतिम यात्रा निकलेगी तो वो इसी रूट का यूज़ करते हुए यहाँ 3 मूर्ति से वो सरदार पटेल मार्ग 11 मूर्ति की तरफ आएंगे, और फिर यहाँ से लेफ्ट लेते हुए वो सरदार पटेल मार्ग होते हुए सीधा जो है धौला कुआं की तरफ निकलेंगे। तो इस तरह से जो उनका रूट है वो फिलहाल जानकारी के मुताबिक ये सामने आ रहा है। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ जवानों के डिप्लॉयमेंट्स हो चुके हैं, यानी तैयारियाँ जो हैं, अब से कुछ देर पहले तक किसी तरह की डिप्लॉयमेंट नहीं थी, लेकिन अब धीरे धीरे यहाँ पर जवानों की डिप्लॉयमेंट करनी शुरू कर दी गई है, यानी तैयारियाँ शुरू हो चुकी है। 2 बजे जिस तरह से बात सामने आ रही थी कि जो अंतिम यात्रा की जो शुरुआत है, क्योंकि 12:30 से 1:30 बजे का जो वक्त है वो रखा गया था सैन्य कर्मियों के लिए, जो कि अंतिम दर्शन कर सकेंगे CDS बिपिन रावत के, उनके आवास पर, कामराज मार्ग पर, और लगातार अंतिम दर्शन करने के लिए जन सैलाब वहाँ पर देखने को मिल रहा है। VVIPs, नेतागण सब वहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो ये फिलहाल अपडेट है। जी शिवम। बिल्कुल, लगातार केंद्रीय मंत्रियों का तांता लगा हुआ है, केंद्रीय मंत्री वहां पहुंच रहे हैं। इस वक्त बात करें तो निर्मला सीतारमण श्रद्धांजलि देने पहुंची हैं। जो रूट है वो कहीं ना कहीं शुरू होकर 4:30 बजे का अभी उम्मीद जताई जा रही है कि वो बरार स्क्वायर तक पहुंच जाएंगे, रेलवे क्रॉसिंग, बाराखंबा रोड, वहाँ से होते होते धौला कुआं और फिर बरार क्रिमेटोरियम की तरफ। हितेन जुड़े हुए हैं हमारे साथ। हितिन, क्या अपडेट है आपके पास?
बिल्कुल देखिए, सीधी तस्वीर अगर मैं दिखाना चाहूँ तो रूट अब बंद कर दिया गया है। आपको ये सड़क जो है एक पूरी तरफ से बंद कर दी गई है, ये तस्वीर दिख रही है। अब यहाँ पर वो जो काफिला अंतिम यात्रा निकलेगी, ये उसकी तैयारियाँ होती नजर आएगी। देखिए सबसे आगे ये मिलिट्री पुलिस की गाड़ी होगी, उसके ठीक पीछे मिलिट्री पुलिस के दो जवान जो है वो बाइक पर होंगे, फिर वो ट्रक होगी जिसमें उनका पार्थिव शरीर यहाँ से अंतिम यात्रा के माध्यम से परार स्क्वायर जहाँ पर प्रिया सोमन सिंह मौजूद है वहाँ तक पूरी की पूरी यात्रा जो है वो निकाली जाएगी। उसके पीछे भी अन्य पुलिस की और मिलिट्री की गाड़ियाँ होगी। सबसे आगे ये जवान जो आप देख रहे हैं, आपको अभी इस वक्त एयरफोर्स के जो जवान दिख रहे हैं, ये जवान यहाँ पर पहले उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर देंगे, उसके बाद ये पूरा का पूरा काफिला जो है वो यहाँ से जो निर्धारित रूट है यहाँ से राजाजी मार्ग होते हुए तीन मूर्ति, तीन मूर्ति से ग्यारह मूर्ति, ग्यारह मूर्ति से धौला कुआ फुटओवर ब्रिज के पास से आगे राइट में टर्न लेते हुए सीधे वहाँ पर बरार स्क्वायर क्रेमिटोरियम में जो है वो पहुँचेगा। अब तैयारियाँ शुरू हो चुकी है क्योंकि अब समय कम है और सेना अपने नियमों के मुजब सब कुछ समय पर काम करती नज़र आती है, ये हमेशा हमने देखा है। और 2 बजे का निर्धारित समय था जब कहा जा रहा था कि अंतिम यात्रा की शुरुआत होगी, हालांकि अब सिर्फ सेना के अधिकारी और बड़े वीआईपी नेता वो पीपी चौधरी है हमारे साथ, उन्हीं से बात करते। सर किस तरीके से देखते, देश को कितना बड़ा नुकसान देख रहे हैं? देखिए एक अपने आप में देश के सच्चे सिपाही एक बहुत बड़ा देश को नुकसान है। इस दुख की घड़ी में मैं उनके परिवार को इस दुख सहन करने की शक्ति ईश्वर प्रदान करें। भारतीय सेना को आत्मनिर्भर, सबसे मजबूत जवानों को सबसे मजबूत बनाने का कार्य उन्होंने किया था, अब ऐसा नेतृत्व मिल पाएगा? देखिए इसमें बिल्कुल बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। भारतीय सेना को जो इनकी दूरदृष्टि, इनका विजन और जिसको भारतीय सेना को जबरदस्त नेतृत्व मिला, तो इस कमी को पूरी करने में तो बहुत बिल्कुल समझ सकते हैं, हर किसी के पास लफ्ज नहीं है। धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हुए। यहाँ पर अब तैयारियां हो चुकी है रूट की, लेकिन प्रिया का रुख करते, प्रिया सोमवंशी जो वहाँ पर मौजूद है बरार स्क्वायर जहाँ पर यहाँ से ये अंतिम यात्रा निकलेगी और सीधे वहाँ पहुँचेगी, प्रिया वहाँ क्या कुछ तैयारियाँ की गई है? क्योंकि यहाँ तो नेता अधिकारी अभी भी पहुँच रहे लेकिन किसी के पास भी शब्द नहीं है। आपने सुना केंद्रीय मंत्री थे पीपी चौधरी। बिल्कुल देखिए इतने आज किसी के पास शब्द नहीं है और ये दिन ही ऐसा है, ये वो हादसा, ये वो तस्वीरें हैं, शायद मैं और आप भी बयान नहीं करना चाहते लेकिन हमें करना पड़ रहा है। यहाँ पे अगर देखिए तैयारी की मैं बात करूँ, मैं क्रिमेशन ग्राउंड पर इस वक्त मौजूद हूँ। अब यहाँ भी धीरे धीरे जो तैयारियाँ हैं वो यहाँ पे शुरू कर दी गई हैं, पुलिस बैरिकेडिंग्स यहाँ पर कर दी गई हैं और एक अलग जगह दी गई है मीडिया वालों को। और देखिए अब जो भीतर है, अब अंदर अगर मैं ग्राउंड के अंदर की बात करूँ, वहाँ भी अब धीरे धीरे तैयारियाँ शुरू हो गई हैं। एक बाद एक जो आला ऑफिसर्स हैं जो सुबह एक बार निकल चुके थे, अब फिर से उनके आने का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है। मैं अपने बीजी को कहूंगी जूम करके एक बार तस्वीरें अंदर की दिखा सके तो दिखाएं कि सामने अगर आपको एक ब्लैक बोर्ड दिख रहा होगा जहां पर ब्रिगेडियर एलएस लिद्दर साहब की जो अंतिम विदाई वो वहां की गई है, उनका अंतिम संस्कार वहां पे किया गया। और उसी के ठीक दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि सीडीएस जनरल विपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत का भी अंतिम संस्कार वहीं पर किया जाएगा और तैयारियां यहां पर शुरू हो चुकी हैं। और देखिए यहां पर तीनों सेनाओं के जो जवान हैं वो लगातार तैयारी कर रहे हैं और जैसे कि अभी हम देख भी पा रहे हैं हितेन वहां की तस्वीरें कि 99 जवान आगे चलेंगे उस गाड़ी के, 99 जवान पीछे उस गाड़ी के चलेंगे जिसमें सीडीएस जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी का जो पार्थिव शरीर है वो यहां पर लेकर आया जाएगा। लेकिन वो उन लोगों का जिक्र भी यहां पर करना मैं चाहूंगी। मैं देख रही हूं जिस तरीके से आप तस्वीरें भी दिखा रहे हैं वहां की कि लंबी लंबी कतारें लोगों की लगी हुई, कोई चंडीगढ़ से आए, कोई केरल से आए, यानी देश के कोने कोने से लोग आज अपने को आखिरी सैल्यूट करने के लिए पहुंचे हुए हैं नम आंखों के साथ। देखिए हर किसी का दिल भारी है, हर किसी का मन भारी है और जैसे हम आम लोगों को देख भी रहे हैं, देखिए उनकी आंखें तक छलक रही हैं और यही यही जो भावना होती है अपने देश के प्रति,
यही हमें एकता के एक सूत्र में पिरोती है और यही जज्बा होता है देशभक्ति का कि देखिए आज वो किसी के घर के बेटे बन गए हैं सीडीएस जनरल बिपिन रावत, तो किसी के घर के पिता, और लोग उन्हें अपने पिता की तरह ही इस वक्त देख रहे हैं। क्योंकि अब देखिए तीनों सेनाओं के प्रमुख थे, वो सेनाओं के सर्वोच्च पद पर थे और सीडीएस का एक ऐसा पद जहां पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी। मैं कहूं कि अगर वो तीनों सेनाओं के पिता हैं तो वो भी गलत नहीं होगा, वो एक पिता की तरह भार उठा रहे थे देश की सुरक्षा का भी, नौसेनाओं का भी, और सेनाओं को सरकार से जोड़ने का काम भी करते थे ताकि एक ब्रिज बना रहे, एक पुल बना रहे, कड़ी बनी रहे। और चाहे देश को मजबूत करने की बात हो, चाहे दुश्मनों के दांत खट्टे करने की बात हो, जब जब चीन पाकिस्तान ने हेकड़ी दिखाई है तब तब सीडीएस जनरल बिपिन रावत सामने आए और उन्होंने दो टूक भी कहा। और जैसा कि हम कह रहे हैं कि वो कहते थे कि देखिए हमें ढाई मोर्चे पर लड़ने की जरूरत है, यानी चीन पाकिस्तान, लेकिन साथ ही उन इंटरनली चीजों से भी जो इंटरनली एनिमीज हैं उनसे भी हमें फाइट करने की उतनी ज्यादा जरूरत है, और हर मोर्चे पर तैयार रहते थे। और वो कहते थे अक्सर कि देखिए अगर आपको फौज में आना है ना तो आप नौकरी समझ के मत आइएगा, नौकरी नहीं करनी, अगर आपको नौकरी करनी आप रेलवेज में जाइए, आप अपना खुद का बिजनेस, लेकिन अगर आपको देश की सेवा करनी है तो आप सेना में आइए। और देखिए वो ये कहते भी थे कि सेना में आना तो आपको मेंटली फिजिकली दोनों तरीके से स्ट्रांग रहना होगा, आपको हर परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार रहना होगा। और वो चाहते थे कि सेना का हर एक जवान और हर एक बच्चा, देश के हर नागरिक में देशभक्ति का वो जज्बा भी भरना चाहते थे। पूजा भी लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है। पूजा, यकीनन ये बेहद भावुक कर देने वाला पल है। इस वक्त आप क्या तस्वीर देख पा रही हैं? देखिए यहाँ जो मैं तस्वीरें देख रही हूँ प्रिया, वाकई में आज के दिन पूरा देश इस वक्त गमगीन हुआ है, शोक मना रहा है, सबकी नम आंखें हैं जो आज सीडीएस बिपिन रावत को आज अंतिम विदाई देने वाले हैं। और देखिए सबसे खास बात ये हो जाती है प्रिया कि लोग उनसे, आप व्यक्तिगत रूप से जुड़े भी नहीं हैं, लेकिन फिर भी देखिए कि आज हर कोई जो उनके बारे में पढ़ रहा है, हर कोई जो उनके बारे में जान रहा है, ऐसा लग रहा है कोई उनका अपना आज उन्हें छोड़ कर जा रहा है, और इसीलिए आज पूरा देश जो है गमगीन हुआ है। और जिस तरह की तस्वीरें हम देख रहे हैं, कल जब पालम एयरपोर्ट पर उनकी बेटियों की जो भावुक तस्वीरें आई, पूरा देश भावुक हो उठा था, मर्माहत हो चुका था। अब जो मैं तैयारियों का जो मैं यहाँ पर देख रही हूँ, क्योंकि मैं यहाँ मौजूद हूँ 11 मूर्ति मार्ग पर प्रिया, और यहाँ पर तैयारियाँ मैं आपको बता दूँ कि क्योंकि 2 बजे उनकी अंतिम यात्रा की शुरुआत हो जाएगी, तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि जो पोस्टर्स थे सीडीएस बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका जी से जुड़े हुए, वो पोस्टर्स से पूरा जो रास्ता है वो पाटा गया है। अब आप अगर तस्वीरों में देख रहे हैं तो सेना के कुछ जवान आपको यहाँ डिप्लॉयड होते हुए नजर आ रहे होंगे, तो धीरे धीरे यहाँ पर जो पुलिस की तैनाती है वो बढ़ाई जा रही है, रास्ता जो है क्लियर रहे ये ध्यान रखा जा रहा है। क्योंकि जो रास्ता, जो रूट तय किया गया है प्रिया, उसके मुताबिक ये जो आप रास्ता देख रहे हैं ये 3 मूर्ति की तरफ जाता है। और मैं बहुत देर से, क्योंकि सुबह जब उनका पार्थिव शरीर उनके आवास कामराज मार्ग पर लाया गया था तो यहीं से जो तमाम वीवीआईपी मूवमेंट्स थे यहीं से शुरू हुए थे, क्योंकि ये सीधा रास्ता 3 मूर्ति मार्ग होते हुए कामराज मार्ग पर जाता है। अब जो 2 बजे जब उनकी अंतिम यात्रा की जब शुरुआत होगी, क्योंकि अभी तो फिलहाल सैन्य कर्मियों के लिए जो है रखा गया है वक्त, तो 1:30 बजे तक का वो वक्त रखा गया है। और जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं कि कितने पंक्चुअल होते हैं, वक्त के कितने पाबंद होते हैं सेना के तमाम जवान, तो उसी वक्त की पाबंदी को फॉलो करते हुए 2 बजे जब उनकी अंतिम यात्रा निकलेगी तो जो रास्ता जो फॉलो, जो रूट, जो जानकारी के तहत हमें मिल रहा है वो ये कि कामराज मार्ग से वो 3 मूर्ति मार्ग वो होते हुए आएंगे, और फिर उसके बाद 3 मूर्ति मार्ग से होते हुए 11 मूर्ति मार्ग से लेफ्ट लेकर वो इस तरफ सरदार पटेल मार्ग की तरफ मुड़ेंगे। और जिस वक्त उनकी अंतिम यात्रा निकलेगी यहाँ पर और ज़्यादा पुलिस की तैनाती, जवानों की तैनाती बढ़ जाएगी, और इसके साथ ही जो है पूरी तरह से जो आवाजाही अभी आप देख रहे हैं उसको पूरी तरह से रोक दिया जाएगा ताकि बिना किसी अड़चन के इस रूट को क्लियर करते हुए धौलाकुआं की तरफ बढ़ेंगे और फिर वहाँ से क्रिमेटोरियम ग्राउंड की तरफ ले जाया जाएगा। तो तैयारियाँ जो है वो यहाँ पर साफ तौर पर दिख रही है। और हाँ, एक चीज़ मुझे ये भी साफ दिखी, अगर आप मेरे लेफ्ट में देख रहे हैं तो देखिए फूल बरसाने की तैयारी, देश की सेना है, देश का जवान
और इतना बड़ा उनका जो योगदान रहा है, सीडीएस विपिन रावत सेना के सर्वोच्च पद पर वो तैनात रहे और इस बीच जो उनका कार्यकाल रहा और जितना योगदान उन्होंने देश को दिया है, शायद ही उसको भर पाना मुश्किल होगा। और उसी को नमन करते हुए जो है, देखिए फूलों की जो है वर्षा यहाँ पर की जाएगी। और आई मैं सीधा रुक कर रही हूँ मेरे सहयोगी शिवम का, क्योंकि हमारे तमाम सहयोगी ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे हैं, जब आपको तमाम अपडेट्स दे रहे हैं। तो शिवम, आपके पास क्या अपडेट है, किस तरह की तस्वीरें आप देख रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये सीधे कामराज मार्ग की तस्वीर आप देख रहे हैं कि रूट की जो तैयारियाँ, मतलब अंतिम यात्रा की जो तैयारियाँ की जा रही है उसमें